दिल सही जगह पर नहीं। आखिर वो कहना क्या चाहती थी? अपना मास्क निकालो वेड, उससे ज्यादा टाइट तो पैंट है। ये शायद सुसु लगी है। मुझे लगा मेरे आंसू सूख गए, लेकिन उसकी याद में आंसू भी निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल के। अपना गम छुपाने की जरूरत नहीं है, तुमसे बात करनी है, तुम्हें नई शुरुआत करनी होगी। ओह, ये रोशनी लगा जैसे नर्क के दरवाजे खुल गए। थोड़ी ट्रेनिंग से तुम भी बन सकते हो एक्समैन। अपना वक्त बर्बाद मत कर टिन के डब्बे, मैं एक्समैन बनने के लायक नहीं। पहली बार अकलमंदी की बात की है। वेट, युकियो, युकियो, वेट। मौशी जी, मेड इन चाइना फुलझड़ी। चाइना की है पर दिल देसी है कमीने। वो गाली क्यों दे रही है सुखड़ी बोम्बिल? मैं सिर्फ सोच रहा हूँ तुझे कोई पसंद करता कैसे, कहीं तो शो ऑफ करने के लिए इसको भाड़े पे तो नहीं लेके आई है। मुझे ये पसंद आया। इतनी उतावली मत हो, बाद में नफरत करेगी। जा रे। बाय वेड। हाँ तो इस घर में रहने के कुछ नियम है। पहला नियम, जान नहीं लेनी है, किसी की नहीं, कभी भी नहीं, कितने भी बुरे हालात हों। दूसरा नियम, अपने चड्डी बनियान को खुद ही। वेड, वेड, मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। फिर से चांस पे डांस नहीं करने दूंगा। बंद करो ये हवस का नंगा नाच। जंग लग गया पर बल नहीं है। हाय, वो पुतला जरूर किसी गिरे हुए इंसान का था। वैसे मैं इस घर में बैठ के करूंगा क्या? इस व्हीलचेयर पर बैठकर लोगों के दिमाग पढ़ूंगा? और वो भी मैं करना चाहूं तो कैसे करूं, क्योंकि इस घर में साला कोई दिखाई नहीं देता है सिवाय तुम्हारे और उस नेगासोनिक टी कॉफी, जो भी नाम है उस लड़की का। कितना चांस मारेगा टर्की? लगती है ना गेंडे। पहली फिल्म में इतना कमाया फिर भी इज्जत नहीं है। माना कि खान भाइयों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन कम से कम कपूर भाई बहनों की पिक्चरों से तो अच्छा था। फॉक्स वाले थोड़ा बजट बढ़ा के एक और एक्समैन दे देते यार, जैसे वो बंदा जो बाल नीले डाई करता है। अरे जो बिल्ली जैसे दिखता है, उसकी उम्र से लंबी तो उसकी दाढ़ी है। नाम क्या उसका, फिस्ट या बीस्ट? नहीं, मैं एक्समैन बनने के बिल्कुल लायक नहीं हूं।